ने कहा ड्रोन से खोजवाइए या कुत्ते से, लेकिन शराबबंदी को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म अजय भारत, जो अब 17 भाषाओं में आपके सामने होगा, और मैं आपके साथ नुपुर। आइए जानते हैं क्या है पूरी स्टोरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मद्य निषेध को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस और मद्य निषेध विभाग संयुक्त रूप से पूरी मुस्तैदी के साथ काम करें, शराबबंदी से जुड़े मामलों का ट्रायल तेजी से कराएं, पीने वालों के साथ साथ पिलाने वाले पर भी नजर रखें। नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी को लागू करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं हो, शराब माफियों के गिरोह को ध्वस्त करें, शराब के वास्तविक धंधेबाज बच नहीं पाए, ड्रोन, मोटरबोट, श्वान दस्ता आदि की मदद से छापेमारी के काम को योजनाबद्ध ढंग से अंजाम देते रहें, ताकि कोई भी धंधेबाज बच नहीं पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब्त शराब को नष्ट किए जाने का काम तेजी से किया। इस मौके पर उन्होंने शराबबंदी से हुए फायदे की भी चर्चा की है। राज्य में शराबबंदी के बाद दूध, सब्जी, मिठाई, फल आदि चीजों की खपत बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना में शराबबंदी के क्रियान्वयन पर विशेष नजर रखें, शराब पीने वाले और पिलाने वाले को चिन्हित कर कार्रवाई करें। सभी लोग यह मानते हैं कि शराब बुरी चीज है। कई दूसरे राज्यों के लोग भी अपने अपने राज्यों में शराबबंदी चाहते हैं। अन्य राज्यों के लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दें। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।